YouTube चैनल। आप देख रहे हैं पारुल ब्लॉग्स। आज का वीडियो है पृथ्वीराज चौहान मूवी की रियलिटी। तो मैंने इस मूवी को आज देखा है जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान 3 जून को रिलीज हो चुकी है। रिलीज होने के साथ ही इस मूवी की चर्चाएं पूरे देश में ही बड़े जोरों जोरों से हो रही हैं। क्या इस मूवी में जो दिखाया गया है वो कितना सच है, कितना झूठ है? तो चलिए आज का इस वीडियो में इसी मूवी की रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के बारे में। आपको बताते चलें, जितने भी लोगों ने अभी तक इस फिल्म को देखा है उनमें से ज़्यादातर लोग अक्षय कुमार को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे कि बॉलीवुड में पहले भी जोधा अकबर, पद्मावत और भी हिस्टोरी जैसी मूवी बन चुकी हैं, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि इस मूवी के अंदर शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और ऋतिक रोशन जैसे एक्टर्स ने राजा महाराजा बादशाहों का रोल निभाया था। वो काबिले तारीफ था, क्योंकि किसी भी राजा महाराजा सुल्तान बादशाहों के करेक्टर में ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि उसके चेहरे पर वो रूह, वो दबदबा दिखाई दे, साथ ही आवाज़ में भी गूंज नजर आई। मगर पृथ्वीराज चौहान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी हाउसफुल मूवी में बाला नाम के कैरेक्टर का रोल किया था, उसको कंप्लीट करने के फौरन बाद पृथ्वीराज चौहान मूवी की शूटिंग शुरू कर दी गई थी और पुरानी मूवी का हुलिया बदलना भी भूल गए थे ये शायद। अक्षय कुमार ने इस बात को खुद कहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 40 दिनों के अंदर कम्प्लीट कर लिया था इन्होंने। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। यहाँ दिखाया गया पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा होते हैं, जबकि इनका मुसेरा भाई जयचंद को कन्नौज का राजा दिखाया गया है। तीसरी तरफ इनके नाना भी होते हैं जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे होते हैं। दोस्तों, दरअसल नाना का कोई बेटा नहीं होता है, मतलब कि उनका बेटा कोई नहीं था, दो बेटियाँ थीं। एक बेटी के लड़के का नाम पृथ्वीराज चौहान और दूसरी बेटी लड़के का नाम राजा जयचंद था। उनके नाना ने अपनी पूरी सल्तनत पृथ्वीराज को दे दी और इसी बात से नाराज इनके भाई राजा जयचंद ने पृथ्वीराज से आधी रियासत वापस मांगी। उसका मानना था कि उसका उस पर आधा आधा हक है, मगर पृथ्वीराज ने साफ साफ मना कर दिया, जो इनके बीच बड़ी दुश्मनी पैदा कर दी। राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और पृथ्वीराज भी संयुक्ता से प्रेम करती थी। कहा गया है कि इन्होंने बिना देखे, मतलब कि केवल मूर्ति से, अपने चित्र से ही प्रेम किया था। तो अब जाहिर सी बात है कि राजा जयचंद तो इन दोनों के एक होने नहीं देगा, इसलिए पृथ्वीराज स्वयं जाकर संयुक्ता को उठा के लेके आते हैं। फिर क्रोध में आकर राजा जयचंद जो होते हैं पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद करने का फैसला कर लेता है। वैसे जहाँ तक है मेरे हिसाब से इस मूवी में तोड़ मड़ोड़ कर इतिहास को पेश किया गया है, क्योंकि इस मूवी को मैंने भी देखा है, मैंने भी परखा है, जाना है, तो मैंने आप लोगों से इसे शेयर किया है। अगर आप लोगों को देखना है कि यह मूवी इतिहास के कितने करीब है, कितने दूर है, इसका अंदाज़ा आप लोग मूवी के उस आखिरी सीन से लगा सकते हैं जो फिल्म के आखिरी में अक्षय कुमार किस तरह से मोहम्मद गौरी को अंधा होने के बावजूद भी मार देता है, उसका कत्ल कर देता है। मगर दोस्तों, इस मामले का सच से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि दुनिया में मौजूद कोई भी ऐतिहासिक किताब उठाकर देख लीजिए कि मोहम्मद गौरी की मौत 1206 में हुई थी और पृथ्वीराज की मौत 1192 ईस्वी में हुई थी। इन दोनों की मौत में करीब 14 साल का फासला है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखो, मिट्टी ने भी बड़े चाव से पूरी फिल्म का एंजॉय किया है, आप देख सकते हैं।